मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कॉलिग्स हैं, क्लाइंट्स हैं, ऐसा पूछते हैं कि हम लेसिक एंड स्माइल सर्जरी के लिए प्रोसीड तो कर दिए, अब पता चला कि फिर से चश्मा लग गया तो कैसा होगा? बेटर है हम चश्मा ही पहन दी। तो इनका आंसर है कि हमारे आंखों में टू टाइप का रिफ्रैक्टिव सरफेस है, पहला कॉर्निया, दूसरा है लेंस। अब कॉर्निया में आप लेसिक स्माइल सर्जरी करवाए हैं एंड अभी 40 होने के बाद आंखों का जो लेंस है उसमें एकोमोडेशन पावर कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका पास का चीज़ देखना कम हो जाता है, तो आपको रीडिंग ग्लासेस चाहिए होगा। एंड आफ्टर 60, 70, 80 आपकी आँखों में जो लेंस है उसका क्लाउडी होना स्टार्ट होता है एंड कैटरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कैटरेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, तब आपको कैटरेक्ट सर्जरी करके उसका लेंस चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब आँखों का चेंजेस में एक टाइप का पैरामीटर्स है, ये लेसिक एंड स्माइल का फेल्योर नहीं है, ये हमारा जो आँखों में जो चेंज आ रहा है इसके वजह से आपको कभी ब्लरी कभी धुंधला एंड सब कुछ दिखाई देना हुआ है, दिखाई दे रहा है। सो लेसिक एंड स्माइल जो भी करना चाहते हैं आप प्रोसीड कीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।